स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। निकासी प्रक्रिया के बावजूद 2000 रुपये के नोटों की क्या स्थिति है? एक, इनका आदान प्रदान केवल विशिष्ट स्थानों पर ही किया जा सकता है। बी, उनका उपयोग केवल विशिष्ट लेन देन के लिए किया जा सकता है। सी, वे अभी भी वैध मुद्रा हैं। डी, वे अब वैध मुद्रा नहीं है। आंसर सी, वे अभी भी वैध मुद्रा है। एक्सप्लेनेशन, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 2000 रुपये मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को प्रचलन से वापस लेने पर एक अपडेट प्रदान किया है। निकासी प्रक्रिया के बावजूद 2000 रुपये के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। जनता अपने बैंक खातों में क्रेडिट के लिए भारतीय डाक के माध्यम से 2000 रुपये के बैंक नोट देश के किसी भी डाकघर से किसी भी RBI जारी कार्यालय में भेजने में सक्षम है। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने किस IIT को स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित किया? ए, IIT पटना। बी, IIT वाराणसी। सी, IIT मुंबई। डी, IIT दिल्ली। आंसर ए, IIT पटना। एक्सप्लेनेशन, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना IIT पटना को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय की ओर से स्वदेशी रूप से विकसित हल्के कॉम्पैक्ट और आसानी से ले जाने वाले इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित किया गया है। IIT पटना के पास 20 वर्षों के लिए इस टेक्नोलॉजी के कमर्शियल उपयोग पर कॉपीराइट होगा। अगला प्रश्न, आयुष्मान भारत दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ए, 24 अप्रैल। बी, 25 अप्रैल। सी, 29 अप्रैल। डी, 30 अप्रैल। आंसर डी, 30 अप्रैल। एक्सप्लेनेशन, हर साल 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। इस योजना के तहत 10.74 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को 5 लाख रुपए की मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल कवरेज प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न, भारत और किस सरकार ने घरेलू युद्धपोतों को बिजली देने के लिए भारत में विद्युत प्रणोदन प्रणाली विकसित करने के लिए एक समझौते की संभावना पर चर्चा कर रही है? ए, फ्रांस। बी, UK। सी, USA। डी, रूस। आंसर बी, UK। एक्सप्लेनेशन, घरेलू युद्धपोतों को बिजली देने के लिए भारत सरकार और UK सरकार भारत में विद्युत प्रणोदन प्रणाली विकसित करने के लिए एक समझौते की संभावना पर चर्चा कर रहे हैं। वर्तमान में डीजल इंजन, गैस टरबाइन या भाप टरबाइन भारतीय युद्धपोतों को शक्ति प्रदान करते हैं। विद्युत प्रणोदन क्षमता 6000 टन से अधिक के विस्थापन वाले बड़े युद्धपोतों को शक्ति प्रदान करने के लिए है। अगला प्रश्न, भारत में मार्केट कैप के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा ऋणदाता कौन बन गया है? ए, ICICI बैंक। बी, कोटक महिंद्रा बैंक। सी, एक्सिस बैंक। डी, HDFC बैंक। आंसर सी, एक्सिस बैंक। एक्सप्लेनेशन, मार्केट कैप के हिसाब से एक्सिस बैंक कोटक महिंद्रा बैंक को पीछे छोड़कर भारत का चौथा सबसे बड़ा ऋणदाता बन गया। कोटक का बाजार मूल्य घटकर 3.3 लाख करोड़ रुपए हो गया, जबकि एक्सिस बैंक का बढ़कर 3.4 लाख करोड़ रुपए हो गया। HDFC बैंक, ICICI बैंक और भारतीय स्टेट बैंक SBI भारत के शीर्ष 3 सबसे मूल्यवान बैंक हैं।